कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के बाद भले ही अनलॉक 1.0 चल रहा है, लेकिन एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को समय सारणी को लेकर दिक्कतें पेश आ रही थी। इन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम डिपो धर्मशाला ने यात्रियों की सुविधा के लिए संशोधित समय सारणी तैयार की है। धर्मशाला डिपो से संचालित की जाने वाली बस रूट की बनाई गई ये नई समय सारणी अब विभिन्न बस अड्डों पर लगाया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को बसों के समय को लेकर दिक्कत ना हो। आरएम एचआरटीसी धर्मशाला पंकज चड्डा ने बताया कि एचआरटीसी बसों की समय सारणी को लेकर आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए 7 पन्नों की समय सारणी तैयार की गई है, जिसमें अलग अलग स्थानों से रवाना होने वाली बसों का समय अंकित रहेगा। इससे यात्री अपनी सुविधा अनुसार अपने गंतव्य स्थान के लिए सही समय पर प्रस्थान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जून से शुरू हुई बस सेवा के चलते धर्मशाला डिपो ने 64 रूटों पर बसें चलाई थी, जबकि यात्रियों की संख्या कम होने के चलते अब कुछ रूटों में कटौती की गई है और वर्तमान में 44 रूटों पर धर्मशाला डिपो बस सेवा प्रदान कर रहा है। समय सारणी में ऑन डिमांड भी लंबी दूरी की परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है, जिनमें सोलन, शिमला व अन्य क्षेत्रों के लिए बस सेवा शामिल है। समय सारणी में 3 चरणों में रूट बनाए गए हैं, जिसमें कांगड़ा बस अड्डा को मुख्य तौर पर रखा गया है, क्योंकि कांगड़ा बस अड्डा सभी क्षेत्रों के लिए आवागमन का केंद्र है। आरएम ने बताया कि सामान्य दिनों में डिपो की बस सेवा 33,000 किलोमीटर चलती थी, जो कि वर्तमान में 4,000 किलोमीटर ही रह गई है। वहीं इस डिपो की कमाई का मुख्य जरिया लंबी दूरी की बसें थी, जो कि अब नहीं चल रही हैं। वर्तमान में धर्मशाला डिपो की प्रति किलोमीटर आय 20 रुपए के लगभग है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन और वर्तमान में कम संचालित की जा रही बसों से कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन किया जाना है और जुलाई के दूसरे सप्ताह तक ये आंकलन पूरा हो जाएगा। पंकज चड्ढा ने बताया कि परिवहन निगम यात्रियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है और चालकों परिचालकों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 1 तारीख से हमने ये ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं जैसे आदेश आए थे शुरू की हैं, परंतु बहुत सी क्वेरीज ऐसी आ रही थी कि हमारा ऑपरेशन जो है वो कुछ क्लब्ड भी है, कुछ ऑपरेशन हमारा बाइफर्केटेड इसलिए कि कहीं पर कुछ सर्विसेज ऐसी थी जहां पर हमारी दिन के टाइम बसेस कम थी, वहां पर हमने और बसेस लगाई हैं। तो मुश्किल ये आ रही थी कि बहुत से लोग, बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि अगर किसी को कहीं जाना है तो कितने बजे जाना है। तो उसके लिए हमने धर्मशाला और कांगड़ा बस अड्डे से दोनों बस संस्थान में एक लिस्टे भी लगा दे रहे हैं आप, और बिट टाइम कि धर्मशाला से अगर किसे शिमला जाना है, धर्मशाला से किसी को जसूर जाना है, या मैं ये कहूँगा धर्मशाला कांगड़ा से किसी आदमी को कहीं भी जाना है, तो वो जो हमारी अभी लिस्टे हमने तैयार की है उसके उसको देख के वो जहाँ जाना है उसे पता लग सकता है कि उसे परिवहन की सुविधा कितने बजे मिलेगी। तो हमने अपनी जो लाइनें हैं उन्हें बांट दिया है, जैसे धर्मशाला से पालमपुर लाइन, धर्मशाला से कांगड़ा बाया स्कोल लाइन, धर्मशाला से कांगड़ा बाया बरवाला, धर्मशाला से कांगड़ा बाया कनेड, कांगड़ा से पालमपुर, कांगड़ा से दौलतपुर साइड, कांगड़ा से जसूर साइड, ऐसे हमने हर एक लाइन को कवर किया, छोटे से छोटी लाइन को भी हमने कवर किया है, ताकि जो परिवहन सुविधा लोगों को मिल रही है उसे ये पता लग जाए कि कहाँ कहाँ से हमारी बसेज हैं। तो आज हमने ये इसकी लिस्टे भी तैयार कर ली है और हम इसकी डिस्प्ले जो है दोनों बस स्टैंड पर भी कर रहे हैं। परिवहन सुविधा लोगों को देने के लिए विद इन स्टेट जो है 44 के करीब गाड़ियाँ रूट चला रहे हैं, अदरवाइज हमारे जो टोटल ऑपरेशनल रूट्स हैं वो 110 के करीब हैं, और साथ में जो हमारा मोस्टली ऑपरेशन है वो लॉन्ग रूट का है। तो आज की डेट में अगर हमारी लॉन्ग रूट की कोई गाड़ी चल रही है तो वो सिर्फ धर्मशाला से शिमला है, जो कि 7:50 पर चल रही है। अनुभव ये रहा है कि लोग, मैं देख रहा हूँ 20 रुपये के करीब इनकम आ रही है, तो ये लग रहा है कि लोगों को जहाँ बहुत आवश्यक है वहाँ पर परिवहन सुविधा को अवेल कर रहे हैं प्रति किलोमीटर। हाँ जी, इनकम है प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर आय जो हमारी आती है ये आती है। ये तो एक्चुअली क्या है, ऐसे बोलना तो मुश्किल आम दिनों में, क्योंकि ये सिर्फ जो रूट्स हैं ये लोकल रूट्स की इनकम है, क्योंकि दिल्ली गाड़ी जाती है
दिल्ली का कैश 1 लाख रुपए भी आ जाता है, तो ये तो ये कंपेयर करना मुश्किल होगा। परंतु नॉर्मल मैंने जो एक हमारा पैमाना किलोमीटर का होता है लोकल का, तो वो इसलिए मैं आपको शेयर किया कि वही लोग परिवहन सुविधा इससे पता लगता ले रहे हैं जिन्हें अति आवश्यक कामों के लिए बाहर जाना है। मुनाफे का तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, परंतु ये कहूँगा कि 3,500 किलोमीटर या 4,000 किलोमीटर के करीब हम रोज़ाना चल रहे हैं, जो रोज़ हमारी जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं सिर्फ धर्मशाला यूनिट की, वो इतनी चल रही है। अभी इसका जो रिव्यू है हमारा, जब क्योंकि 1 जून से शुरू किया था, तो इसका रिव्यू बनेगा हमारा 10 जुलाई के करीब, जिसमें क्योंकि जहाँ बहुत सी चीज़ें लिंक्ड हैं, अगर किलोमीटर कम हुए हैं तो कुछ खर्चे भी कम होते हैं। जैसे डीजल अगर रोज़ हम 33,000 किलोमीटर चलते हैं तो डीजल भी अकॉर्डिंगली लगता था, अब जब कम चल रहे हैं तो वो तैयार होगा अप्रॉक्सीमेटली 10 जुलाई के करीब।